हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टडर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे इस वैकेंसीज को कहाँ कहाँ निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप यूट्यूब पर मेरे चैनल को देखेंगे तो आपको मेरे यूट्यूब पर आपको टाइप करना है यूट्यूब पर दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टडर। जैसे ही आप जो है टाइप करेंगे तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे जो है जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर या जो पीएचडी एमएससी बीएससी रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है यूनिवर्सिटी का एडमिशन के लिए, तो उन सबके वीडियोज़ को मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन को यहाँ पे वीडियो बना के डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप जो है बायोलॉजी रिलेटेड कंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका सीएसआई जेआरएफ हो, आईसीएमआर जेआरएफ या आपका डीबीटी जेआरएफ या आपका जो नीट या अगर आप बीएससी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मेरे चैनल पर बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट भी देखने को मिलेगा। तो आपको मेरे चैनल पर लाइक जॉब से रिलेटेड कंटेंट और साथ ही साथ जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है उसके वीडियोज आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन को। देखिए, हमारा पहला नोटिफिकेशन जो आया है वो है मेट्स यूनिवर्सिटी, जो कि नेक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द एक्सपीरियंस कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर पोजिशन एज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट मैंसन कर रखा है मैनेजमेंट, कॉमर्स, लॉ, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग। तो यहाँ पर देखिए साइंस के भी सब्जेक्ट है, नॉन साइंस के भी सब्जेक्ट हैं। तो आप जो है जिस भी लाइक सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री है या आपका पीएचडी डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी जो रहेगी वो एज पर यूजीसी, एआईसीटी या बीसीआई, एनसीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको अपना एप्लीकेशन फिलअप करके आपको सेंड करना है hr@matsuniversity.ac.in विदिन 7 डे इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है उसे फिलअप करना है, उसके बाद अपने सीवी और अपनी जो भी सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल से वो सारा जो है आपको सेंड करना है। तो आप बाई मेल भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है लाइक स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, यानी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों आप यहाँ पे भेज सकते हैं। अब देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि आया है आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद से। तो यहाँ पे देखिए इन्वाइट एप्लीकेशन फॉर अ पोस्ट बाय असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर। तो यहाँ पे उन्होंने सब्जेक्ट मैंसन कर रखे, चाहे वो सी एस ओ, सी एस ई ओ, आई टी, एम ई या एम बी ए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसी तरह यहाँ पे और भी सब्जेक्ट मेंशन कर रखे। तो आपका जिस भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री या पीएचडी डिग्री है तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करें नॉन टीचिंग स्टाफ की, तो यहाँ पे देखिए लाइब्रेरियन, असिस्टेंट मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, रेजिडेंट वार्डन फॉर बॉयज हॉस्टल के भी पोजिशन को निकाला गया है। फॉर टीचिंग पोजिशन के लिए यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी रहेगा क्वालिफिकेशन वो एज पर एआईसीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगा। फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर गेट परसेंटेज मोर देन 65%, बी टेक एंड एम टेक फ्रॉम आई आई टी एंड आई टी। तो देखिए अगर आपके आई आई टी या एन आई टी से आपने बी टेक या एम टेक किया है, पी एच डी किया है या आपने किसी एन आई आर एफ ड्रॉइंग इंस्टीट्यूशन से यूनिवर्सिटी वहाँ से आपने अपना लाइक मास्टर डिग्री या पी एच डी किया, तो आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा और यहाँ पे हाइएस्ट सैलरी जो है आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर पी एच डी आपका है पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई अच्छा यूनिवर्सिटी, चाहे आपका आई आई टी जो एन आई टी जो ट्रिपल आई टीज, बी आई टीज और अगर आपका एन आई आर एफ रिलेटेड कोई लाइक टॉप यूनिवर्सिटी भी है तब भी आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपकी सैलरी भी यहाँ पे अच्छी दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज़ विजिट, यहाँ पे इन्होंने मैंसन कर रखा है यहाँ पे वेबसाइट, तो आपको इस पर क्लिक करके जो है आप जो है अपना जो रेज्यूम है उसे अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपका जो भी पी एफ ग्रेजुएटी मिड क्लेम एग्जिस्ट है वो सारा भी का भी प्रोविजन यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन आपको वो सिर्फ आपके लिए रहेगा, ना कि आपकी फैमिली के लिए। तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया वो आया जी आई ई टी यूनिवर्सिटी गुनुपुर से, जहाँ पे देखिए स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल्स लाइक एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री और प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के लिए आपके वैकेंसीज को निकाला गया है। तो आप देखिए क्वालिफिकेशन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमएससी आपका एग्रीकल्चर होना चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद नेट और पीएचडी भी आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एम एस सी होना चाहिए विद पी एच डी डिग्री और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 5 to 10 ईयर्स का फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एंड 10 to 15 ईयर फॉर प्रोफेसर। ठीक है, यहाँ पर सैलरी जो आपकी रहेगी वो रहेगी एज पर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो आप इसके लिए अगर इंटरेस्टेड तो आपको अपना सी वी और सर्टिफिकेट और रिसेंट फोटो जो है आपको सेंड करना है hrsell@gieet.edu विदिन 30 सितंबर, तो यहाँ पर 30 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो यहाँ पर उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप नंबर दे रखा है या कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, तो आप इसके थ्रू जो है अपना क्वेरी को आप जान सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, थ्री डैन टेक केयर, बाय बाय।